हाय, वेलकम कोड फॉर न्यू, वेलकम इस वीडियो इन द नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज। और यहाँ पे हम एक एप्लीकेशन बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ नेक्स्ट जेएस, जो कि होगा यहाँ पे टू डू एप्लीकेशन। हम यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का यूज करेंगे और हम यहाँ पे साथ में यूज करने वाले हैं टेलवेंड सीएसएस का। तो अगर मैं आपको एप्लीकेशन दिखाऊँ तो ये हमारे पास यहाँ पे एप्लीकेशन है, बहुत एक बेसिक एप्लीकेशन है। अगर आप एक नेक्स्ट जेएस में बिल्कुल आप स्टार्ट कर रहे हो या आपको बेसिक्स पता है तो आपके लिए बिल्कुल ये एप्लीकेशन है। तो अगर यहाँ पे सपोज मैं कोई अगर यहाँ पे टू डू डालता हूँ, सपोज वॉच एंटमैन एंड द वास्प, तो यहाँ पे मैंने ये डाला, एड टू डू किया, तो आप यहाँ पे देखो टू डू यहाँ पे आके आपका एड हो जाएगा। इसके बाद सपोज यहाँ पे मैं एक और टू डाल रहा हूँ, रीड क्रैक द कोडिंग इंटरव्यू, तो सपोज यहाँ पे मैंने इस पे एड टू डू पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो एक और यहाँ पे टू डू आपका एड हो चुका है। इस पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे तो ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा, ठीक है। इस पे मैंने क्लिक किया, ये यहाँ से डिलीट हो जाएगा। इस पे दोबारा क्लिक करता हूँ तो ये आपका यहाँ पे अनडू हो जाएगा। तो ये हम यहाँ पे इसको ट्राई करने वाले हैं, इस वाली हम यहाँ पे एप्लीकेशन में, ठीक है। बहुत सिंपल एक एप्लीकेशन है, अगर आप एक बिगनर हो तो ये एप्लीकेशन बिल्कुल आपके लिए है। अगर आपको थोड़े बहुत बेसिक्स भी पता है तो भी आप इस एप्लीकेशन के साथ जा सकते हो। नेक्स्ट जेएस प्रोजेक्ट सीरीज में हमारी यहाँ पे सेकेंड वीडियो है। इससे पहले एक स्टार्टर के लिए हमने यहाँ पे एक वीडियो बनाई थी, ठीक है, वो काफी नीचे है। आप यहाँ पे बाकी प्रोजेक्ट्स भी चेकआउट कर सकते हो, जैसे मनस्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स हैं। नीचे अगर आप आओगे तो आपको AWS प्रोजेक्ट्स मिल जाएंगे, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स आपको मिल जाएंगे। तो जो वीडियो मैं आपको दिखा रहा हूँ वो काफी नीचे है, ठीक है। यहाँ पे जावा के प्रोजेक्ट्स भी हैं, डेस्कटॉप बेस्ड एप्लीकेशंस हैं, इनकी प्रोजेक्ट फाइल्स भी हैं अगर आपको कॉलेज में दिखाने हैं तो, और फुल स्टैक एप्लीकेशंस भी हैं, मन स्टैक प्रोजेक्ट्स हैं, ई कॉमर्स वेबसाइट है। और यहाँ पे थोड़ा सा नीचे में को यहाँ पे और जाना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे देखो नेक्स्ट जेएस की हमने यहाँ पे एक वेबसाइट बनाई थी, एक साल पहले मैंने बनाया था, तो उस टाइम शायद नेक्स्ट जेएस 12 था मार्केट में, ठीक है। नेक्स्ट जेएस 12 से बनी हुई है, लेकिन अब नेक्स्ट 13 आ चुका है, ठीक है। तो हम यहाँ पे लेटेस्ट नेक्स्ट 13 का यहाँ पे यूज करेंगे, लेकिन ये हमने बनाया था नेक्स्ट 12 की हेल्प से। बहुत एक बेसिक है, ठीक है, आप इसको भी देख सकते हो, इस वाले वीडियो को आप देख सकते हो। इसमें बिल्कुल बेसिक से समझाया था। अगर आप बिल्कुल हेड स्टार्ट कर रहे हो अगर आप नेक्स्ट जेएस में, तो आप ये वाली वीडियो भी देख सकते हो। तो यहाँ पे हम यूज करेंगे नेक्स्ट जेएस 13 का, जैसे मैंने आपको बताया था। और नेक्स्ट जेएस 13 में मेजर चेंजेस हैं, 12 से 13 में मेजर चेंजेस हैं। तो आपको यहाँ पे क्या काम करना है, सबसे पहले तो आपको यहाँ पे किसी भी अपने फेवरेट फोल्डर में आना है। मैं यहाँ पर आया हूँ और यहाँ पे हम यहाँ पे यूज करने वाले विजुअल स्टूडियो कोड का कोड लिखने के लिए। तो आपको यहाँ पे ऊपर क्लिक करना है जहां पर आपका एड्रेस, और यहाँ पर आपको लिखना है सीएमडी। सीएमडी यहाँ पे लिखने के बाद आपको यहाँ पे नेक्स्ट जेएस का एक प्रोजेक्ट बनाना है। और मैं आपको यहाँ पे रिएक्ट का रेफरेंस देता रहूंगा, मतलब नेक्स्ट जेएस एक्चुअल में रिएक्ट की का ही एक फ्रेमवर्क है। आप उसको फ्रेमवर्क मान लो, लाइब्रेरी मान लो रिएक्ट की। तो अगर आप नेक्स्ट जेएस सीख रहे हो तो उससे पहले आपको रिएक्ट के बेसिक्स आपके क्लियर होने चाहिए। तो मैं यहाँ पे एज्यूम कर रहा हूँ कि आपको रिएक्ट आती है, और मैं यहाँ पे रिएक्ट का रेफरेंस ले लेकर ही आपको नेक्स्ट जेएस में जो चेंजेस हैं वो यहाँ पे बताऊंगा। तो अगर आपको एक रिएक्ट में प्रोजेक्ट बनाना होता था तो आप यहाँ पे क्या लिखते थे, क्रिएट रिएक्ट ऐप, आप यहाँ पे ये लिखते थे। और फिर यहाँ पे आपकी एप्लीकेशन का नाम जो कि है सपोज माय ऐप, यहाँ पर हम क्रिएट रिएक्ट ऐप नहीं लिखते, यहाँ पर हम लिखते हैं क्रिएट नेक्स्ट ऐप। पहला डिफरेंस तो यहाँ पर ये है। दूसरी चीज, नेक्स्ट ऐप का मेरे को यहाँ पे लेटेस्ट वर्जन चाहिए, तो आपको यहाँ पे लेटेस्ट लगाना पड़ेगा, क्योंकि काफी बार ये पुराने वर्जन भी उठा लेता है, लेकिन मेरे को नेक्स्ट जेएस का बिल्कुल लेटेस्ट वर्जन चाहिए, जो कि यहाँ पे 13.1 समथिंग है जो अभी चल रहा है, मेरे को देखना पड़ेगा। और यहाँ पे फिर आपको अपनी एप्लीकेशन का नाम देना है, जो कि यहाँ पे टू डू ऐप है। फिर आपसे कुछ कुछ पूछेगा, ठीक है, कि आपको किस तरह की एप्लीकेशन बनानी है, आपको टेलवेंड सीएसएस उसमें चाहिए नहीं नहीं चाहिए, आप उसको आपको टाइपस्क्रिप्ट चाहिए नहीं नहीं चाहिए। तो ये वाला प्रोजेक्ट हम बनाने वाले हैं विद द हेल्प ऑफ टाइपस्क्रिप्ट। हम यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट का भी यूज करेंगे, तो आपको यहाँ पे यस रखना है। ESLint आपको चाहिए नहीं नहीं चाहिए। ESLint क्या होता है, ESLint बेसिकली कोड लिखने का तरीका है, ठीक है, कि आपको सिंटेक्स कौन से यूज करने हैं, कैसे यूज करने हैं, कितना स्पेस देना है, तो वो सब ESLint मैनेज करता है। तो ESLint वैसे अलग से टॉपिक है, इसमें हम ESLint को कवर नहीं करेंगे, अभी मैं यहाँ पे यस कर देता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ESLint एक पूरा अलग से टॉपिक है, इसको एक किसी और वीडियो में कवर करेंगे। ESLint का जो सबसे फेमस एक स्टैंडर्ड है जो सभी प्रोजेक्ट्स में ऑलमोस्ट फॉलो होता है, वो Airbnb का स्टैंडर्ड है। तो Airbnb का स्टैंडर्ड यूज करके आप यहाँ पे ESLint के साथ काम कर सकते हो। अभी के लिए अनेबल रखते हैं इसको, तो मैं यहाँ पे यस कर रहा हूँ। टेलवेंड सीएसएस आपको यूज करनी है। इस बार मैं मटेरियल यूआई यूज नहीं कर रहा, मैं सोच रहा था मटेरियल यूआई यहाँ पे यूज कर लूँ, बट फिर मेरे को लगा कोई बात नहीं, फिर कभी देखेंगे। तो यहाँ पे मैं यूज कर रहा हूँ टेलवेंड सीएसएस का। अगर आप टेलवेंड सीएसएस में बिल्कुल नए हो तो कोई दिक्कत नहीं है, मैं यहाँ पे आपको
क्लियर कर दूंगा कि टेलविंड सीएसएस कैसे यूज होता है। दूसरी चीज, यहाँ पे आपको यस पे क्लिक करना है क्योंकि टेलविंड सीएसएस की कुछ कॉन्फ़िगरेशंस हैं, ठीक है। तो अगर आप यहाँ पे नो पे क्लिक करते हो और बाद में आप यहाँ पे टेलविंड सीएसएस को इंक्लूड करोगे तो आपको वो सारी कॉन्फ़िगरेशंस खुद से करनी पड़ेंगी। बट अगर आप यहाँ पे यस पे क्लिक करोगे तो नेक्स्ट जीएस आपको सारी कॉन्फ़िगरेशंस करके देगा, पैकेजेस इंस्टॉल करके देगा, इसकी जो अलग से फाइल बनती है कॉन्फ़िग फाइल वो ये आपको बना के देगा, ठीक है। वुड यू लाइक टू यूज सोर्स डायरेक्टरी विद दिस प्रोजेक्ट? रिएक्ट में जो आपका मेन फोल्डर होता है वो आपका सोर्स फोल्डर होता है। सोर्स फोल्डर के अंदर ही आपका app.js होता है, index.js, index.css और app.css, ये सब कुछ आपका सोर्स के अंदर होता है। बट यहाँ पे आपके पास ऑप्शन है, आप तो यहाँ पे ये पूछ रहे हैं कि आपको सोर्स फोल्डर चाहिए या नहीं चाहिए, मतलब आप यहाँ पे सोर्स फोल्डर के बिना भी काम कर सकते हो। तो मेरे को यहाँ पे चाहिए क्योंकि जो मैं अज्यूम कर रहा हूँ कि आप यहाँ पे React.js से उठ के यहाँ पर आ रहे हो, तो एक फोल्डर स्ट्रक्चर अगर सेम रहेगा तो समझने में थोड़ी आसानी रहेगी। तो मैं यहाँ पे इसको कर रहा हूँ यस। आपको ऐप राउटर को यूज करना है क्या? इसको करते हैं यस। वुड यू लाइक टू कस्टमाइज द डिफॉल्ट इम्पोर्ट एलियस? तो यहाँ पे करते हैं इसको नो, कि मेरे को डिफॉल्ट नहीं चाहिए, मेरे को मतलब डिफॉल्ट चाहिए, मेरे को उसको कस्टमाइज नहीं करना। तो जो डिफॉल्ट आता है मेरे को यहाँ पे वही चाहिए। तो अब यहाँ पे क्या कर रहा है, इन सभी पैकेजेस को ये यहाँ पे इंस्टॉल करेगा। आप यहाँ पे देखो टेलविंड सीएसएस को यहाँ ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है और ESLint और ESConfig Next, ये यहाँ पे दो पैकेजेस हैं ESLint के जिसको ये यहाँ पे इंस्टॉल कर रहा है। आप यहाँ पे देखोगे नेक्स्ट को भी यहाँ पे इंस्टॉल कर रहे हैं। नेक्स्ट जो है वो फ्रेमवर्क है रिएक्ट का। तो आपको यहाँ पे रिएक्ट भी चाहिए और रिएक्ट डॉम भी चाहिए, दोनों चीजें चाहिए, ये सबको यहाँ पे आपका इंस्टॉल कर रहा है। तो आप अगर यहाँ पे देखो ये प्रोजेक्ट आपका यहाँ पे बनके बिल्कुल तैयार है। इसने यहाँ पे हमारे पास यहाँ पे एक फोल्डर आया है जो कि यहाँ पे टू डू ऐप के नाम से। आपको यहाँ पे एक काम करना है, आपको यहाँ पे सिंपल लिखना है कोर्सपेस डॉट क्या करेगा, या आपका यहाँ पे विजुअल स्टूडियो कोड खोल देगा इसी फोल्डर के अंदर। आप यहाँ पे देखो इसने मेरा यहाँ पे वीएस कोड खोल दिया इसी फोल्डर के अंदर। तो इसको करते हैं यहाँ पे फुल स्क्रीन एंड आप यहाँ पे देखोगे तो मेरे पास यहाँ पे एक प्रोजेक्ट आया जो कि यहाँ पे टू डू ऐप के नाम से। इसको मैं अगर यहाँ पे एक्सपैंड करूंगा तो ये आपका यहाँ पे है Next.js का फोल्डर स्ट्रक्चर। मैं यहाँ पे इस वाले सोर्स फोल्डर की बात कर रहा था कि ये हमें यहाँ पर एक सोर्स फोल्डर देता है। अगर आप यहाँ पे उस टाइम उसको नो करते ना तो इसके अंदर ये जो कुछ भी है ना ये सब आपका यहाँ पे बाहर आता। तो इसका अगर आप यहाँ पे फोल्डर स्ट्रक्चर एक बार देखो तो सबसे इंपॉर्टेंट हमारे पास यहाँ पे किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में, ये मैं आपको हर बार सिखाता हूँ, किसी भी एक फ्रंट एंड एप्लीकेशन में जो सबसे इंपॉर्टेंट फाइल होती है वो होती है packet.json। packet.json आपको ये बताती है कि आपका प्रोजेक्ट एक्चुअल में है क्या, ठीक है, कौन कौन सी डिपेंडेंसीज उसको चाहिए आपके प्रोजेक्ट को रन करने के लिए, कैसे कैसे आप उस प्रोजेक्ट को रन कर सकते हो, मतलब क्या क्या आप उस प्रोजेक्ट के साथ कर सकते हो। आपको अगर अपने प्रोजेक्ट को रन करना है तो यहाँ पे हमारे पास स्टार्ट स्क्रिप्ट नहीं है, यहाँ पे हमारे पास है डेव स्क्रिप्ट, ठीक है। जैसे रिएक्ट में स्टार्ट स्क्रिप्ट थी यहाँ पर है डेव स्क्रिप्ट। बिल्ड करना है तो यहाँ पे बिल्ड है, लेकिन आप अगर यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट भी है, मेरे पास यहाँ पे डेव स्क्रिप्ट भी है, मेरे पास यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट भी है, लेकिन यहाँ पे डिफरेंस है। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को डेवलपमेंट में रन करना है, मतलब अगर आप डेवलपमेंट कर रहे हो उस केस में अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को रन करना है तो आप यहाँ पे चलाओगे डेव स्क्रिप्ट। अगर आपको अपनी एप्लीकेशन को प्रोडक्शन में रन करना है, मतलब आप अपनी एप्लीकेशन को डिप्लॉय कर रहे हो, उस केस में आप चलाओगे स्टार्ट स्क्रिप्ट को। स्टार्ट स्क्रिप्ट चलाने से पहले आपको अपनी एप्लीकेशन का बिल्ड बनाना पड़ेगा, तो पहले यहाँ पे बिल्ड वाली कमांड चलेगी, उसके बाद आप यहाँ पे स्टार्ट स्क्रिप्ट को चला सकते हो। फिर यहाँ पे एक और स्क्रिप्ट है जो कि यहाँ पे लिंट के नाम से, या आपका ESLint की स्क्रिप्ट है। अगर आपको लिंट चेक करने हैं, लिंट के कुछ रूल्स होते हैं, जैसे अगर आप यहाँ पे अगर एक एग्जांपल दूं मैं आपको यहाँ पे, एक थोड़ा सा क्लियर हो जाएगा कि यहाँ पे एक्चुअल में होता क्या है। तो ESLint के ना कुछ रूल्स होते हैं, ठीक है। जैसे आप अगर यहाँ पे देखोगे तो इसकी एक फाइल होती है प्रॉपर, और उस फाइल में यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे होते हैं। जैसे आप यहाँ पे देखो ESLint.rc.json के नाम से यहाँ पे ये वाली है, और यहाँ पे आपको शायद दिख नहीं रहा होगा, थोड़ा सा बड़ा कर देता हूँ, ये तो और छोटा हो रहा है। तो यहाँ पे आप देखो ESLint.rc.json के नाम से यहाँ पे एक फाइल है मेरे पास, उसके अंदर यहाँ पे कुछ रूल्स लिखे हैं। तो यहाँ पे कुछ रूल्स हैं जो हम यहाँ पे ESLint के लिए मेंशन करते हैं कि हमारा कोड एक्चुअल में ऐसा दिखना चाहिए, मतलब ये सब रूल्स यहाँ पे फॉलो होने चाहिए अपने ESLint के लिए। तो इसको करेंगे किसी और प्रोजेक्ट में, इसको कवर करेंगे, ठीक है। यहाँ पे आप अगर यहाँ पे देखो तो इस तरह से यहाँ पे एरर्स आते हैं, तो ये देखेंगे बाद में फिर कभी। बट उसके बाद हमारे पास यहाँ पे डिपेंडेंसीज हैं। डिपेंडेंसीज मैंने आपको बताई दी थी, ESLint के दो पैकेजेस हैं, नेक्स्ट है यहाँ पे जो कि 13.4.4 है, ठीक है। फिर यहाँ पे React DOM है, Tailwind CSS है, और यहाँ पे TypeScript है। अगर आप एक TypeScript का प्रोजेक्ट चला रहे हो तो आपको वहाँ पे TypeScript का कंपाइलर चाहिए,
क्योंकि ब्राउजर नहीं समझता, ब्राउजर टाइपस्क्रिप्ट को नहीं समझता, तो आपको अपनी टाइपस्क्रिप्ट को कन्वर्ट करना पड़ेगा इनटू प्लेन जावास्क्रिप्ट। तो वहां पे आपको एक टाइपस्क्रिप्ट कंपाइलर चाहिए जो आपको कन्वर्ट करेगा टाइपस्क्रिप्ट को आपकी जावास्क्रिप्ट में। तो वहां पे आपको टाइपस्क्रिप्ट का पैकेज चाहिए उस केस में, और फिर आपको बताना भी पड़ेगा कि आपको किस चीज को कैसे कन्वर्ट करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे एक फाइल बनानी पड़ती है जो कि होती है dsconfig.json। ये फाइल है हमारे यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट की कॉन्फ़िगरेशंस के लिए, कि आपको यहाँ पे अपने जो कंपाइलर को बताना पड़ेगा टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर को कि आपको अपने कोड को ऐसे ऐसे कंपाइल करना है। तो वहां पे आपको कुछ रूल्स डिफाइन करने पड़ेंगे। उसके बाद फिर टेलविंड सीएसएस के लिए भी एक अलग से कॉन्फ़िगरेशन फाइल है, वो ये वाली फाइल है। यहाँ पे मैं इन फाइल्स की बात कर रहा था कि अगर आपको अगर आप वहां पे नो सेलेक्ट करते और बाद में आप टेलविंड सीएसएस को यूज करते तो आपको ये सारी फाइल्स खुद से बनानी पड़ती, पर यहाँ पे जो कॉन्फ़िगरेशन फाइल्स हैं वो आपको Next.js ने बना कर दिए। तो ये आपके टेलविंड सीएसएस के लिए। उसके बाद यहाँ पे एक फाइल है postcss.config.js। ये फाइल आपकी क्या करती है, ये पोस्ट सीएसएस जो प्लगइन्स होते हैं उनको कॉन्फ़िगर करती है, उनको इंस्टॉल करती है। तो आपकी टेलविंड सीएसएस में जो भी सीएसएस यूज होगी या ऑटो प्रीफिक्सर में जो भी यूज होगा उसके जो पोस्ट सीएसएस प्लगइन्स हैं उनको कॉन्फ़िगर करता है। फिर packet.json तो मैंने आपको बता ही दिया, packet.log.json भी आपकी यहाँ पे जनरेट होती है। फिर यहाँ पे next.config.js, इसमें आपकी Next.js की कॉन्फ़िगरेशन होती है। इस फाइल को Next.js इंटरनली यूज करता है कॉन्फ़िगरेशंस के लिए। तो अगर आपने कोई कॉन्फ़िगरेशन मेंशन की है, ये तो काफी छोटा प्रोजेक्ट है जो हम यहाँ पे बना रहे हैं, बट अगर कोई कल को हमने कोई बड़ा प्रोजेक्ट बनाया तो उसमें यहाँ पे हमें कॉन्फ़िगरेशंस मेंशन करनी पड़ेंगी। वो CSS कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है या फिर Next.js के आपका कोई पैकेज कॉन्फ़िगरेशंस हो सकती है, वो कुछ भी हो सकता है, तो वो देखेंगे यहाँ पे। उसके बाद यहाँ पे है nextjsdb.ts। ये जो फाइल है ये इंपॉर्टेंट है Next.js के लिए, ठीक है। आपको इस फाइल को ना रिमूव करना है ना इस फाइल को आपको एडिट करना है। ये फाइल इंपॉर्टेंट है टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर के लिए। यहाँ पे टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर के पास इंफॉर्मेशन जाती है आपके Next.js के टाइप्स की। तो ये फाइल आपकी इंपॉर्टेंट है, लेकिन इस फाइल को आपको कभी भी पुश नहीं करना होता। यहाँ पे .d लिखा हुआ है, d यहाँ पे डेवलपमेंट के लिए। तो ये जो फाइल है ये आपके सिर्फ डेवलपमेंट के लिए है और आप इस फाइल को पुश नहीं करते। तो इस ये जो फाइल है ये आपकी आपको यहाँ पे मिल जाएगी गिट इग्नोर के अंदर। गिट इग्नोर के अंदर अगर आप यहाँ पे जाओगे तो next.env.d.ts ये आपको यहाँ पे मिल जाएगा। आप इस फाइल को पुश नहीं करते ना आप इस फाइल को प्रोडक्शन में डिप्लॉय करते हो। ये सिर्फ टाइपस्क्रिप्ट के कंपाइलर के लिए है और सिर्फ डेवलपमेंट में काम आती है। ये वो आपकी फाइल है ESLint.rc.json जो मैं आपको दिखा भी रहा था, ठीक है। मैंने अभी आपको ब्राउजर खोल के एक स्क्रीनशॉट जो मैं आपको वहाँ पे दिखा रहा था इमेजेस, वो ये फाइल है जहां पर आप ESLint.rc.json के अंदर ESLint के जो आपके सिंटेक्स हैं, जो आपके रूल्स हैं, उनको आप यहाँ पे मेंशन करते हो। फिर आपके पास यहाँ पे कुछ और फाइल्स हैं, जैसे यहाँ पे पब्लिक फोल्डर है जो कि बिल्कुल सेम है जैसा हमारे यहाँ पे रिएक्ट में होता है, बट एक डिफरेंस है। डिफरेंस यहाँ पर यह है कि index.html यहाँ पर नहीं है। Next.js में हमारे पास index.html नहीं होती। अब आपका सवाल होगा ब्रो index.html नहीं है तो हम हेड सेक्शन में जो हमें मेंशन करना होता है वो कैसे करेंगे? तो उसके लिए यहाँ पे सोर्स में हमें एक टैग दिया हुआ है जिसका हम यहाँ पे यूज कर सकते हैं, उस पर अभी आते हैं। बट आप अगर यहाँ पे देखो तो पब्लिक फोल्डर के अंदर आपके पास यहाँ पे दो लोगो हैं, एक Next.js का लोगो, एक वर्सल का लोगो है जिसने Next.js को बनाया है। तो ये दो लोगो आपको मिल जाएंगे। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप जो कुछ भी यहाँ पे मेंशन करोगे वो आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। ये मैं आपको दिखाऊंगा कि हम इसको डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हैं। ये मैं आपको दिखाऊंगा जब मैं सर्वर को यहाँ पे रन करूंगा। सर्वर को रन कैसे करना है? सर्वर को रन करने के लिए मैंने आपको क्या बोला था, आपको यहाँ पे डेव स्क्रिप्ट चाहिए। तो आपको यहाँ पे सबसे पहले तो VS कोड का कंसोल खोल लेना है। कंसोल आप खोल सकते हो कंट्रोल शिफ्ट बैक टी से, और यहाँ पे जो टर्मिनल है यहाँ पे जाके भी आप खोल सकते हो कंट्रोल शिफ्ट बैक टेक। आपको यहाँ पे प्रोजेक्ट में आना है जो कि आपका यहाँ पे टू डू ऐप है, इसके अंदर मैं यहाँ पे आया और आपको अपनी डेव स्क्रिप्ट को रन करना है npm run dev लिखकर। तो मैंने यहाँ पे npm run dev लिखा और ये आपका रन करेगा यहाँ पे नेक्स्ट डेव को। आप यहाँ पे देखो इसने यहाँ पे रन किया है नेक्स्ट डेव को और इसने हमारा सर्वर यहाँ पे चलाया है लोकल होस्ट 3000 पे। तो अगर मैं यहाँ पे जाता हूँ और मैं यहाँ पे इसको रिफ्रेश करता हूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि मेरे पास यहाँ पे Next.js का जो सर्वर है वो यहाँ पे चल चुका होगा। एक सेकेंड, यहाँ पे कंपाइल हो रहा है, कंपाइल होने देते हैं। अब यहाँ पे कंपाइल कर रहा है क्लाइंट और सर्वर दोनों को। एक चीज है Next.js और React.js में सबसे बड़ा डिफरेंस यहाँ पर ये है कि जो React.js है वो प्रॉपर क्लाइंट साइड एप्लीकेशन है, वो सर्वर साइड रेंडरिंग नहीं करती, वो क्लाइंट साइड रेंडरिंग करती है। Next.js आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग दोनों करता है।
अगर आप यहाँ पे वापस जाओगे तो हाँ आप यहाँ पे देखो, मेरे पास यहाँ पे जो नेक्स्ट जेस है वो यहाँ पे खुल चुकी है। वर्सल का लोगो है मेरे पास यहाँ पे, जैसे कि मैंने आपको दिखाया था पब्लिक फोल्डर के अंदर वर्सल का लोगो, और यहाँ पे मेरे पास है नेक्स्ट जेस का लोगो जो कि आपका यहाँ से आया था। पब्लिक फोल्डर के अंदर आप यहाँ पे जो कुछ भी मेंशन करोगे उसको आप डायरेक्टली एक्सेस कर सकते हो। तो जैसे अगर आप यहाँ पे लिखते हो, मैंने यहाँ पे लिखा नेक्स्ट डॉट एसवीजी, में यहाँ पे जो नेक्स्ट जेस का एसवीजी लोगो है उसको मैंने यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर लिया। मैं यहाँ पे लिखूंगा वर्सल डॉट एसवीजी, तो ये वर्सल का लोगो मैं यहाँ पे डायरेक्टली एक्सेस कर रहा हूँ। तो आप यहाँ पे पब्लिक फोल्डर के अंदर जो कुछ भी डाल रहे हो बहुत केयरफुली डालना है, क्योंकि वो चीज डायरेक्टली एक्सेस हो सकती है। अगर आप यहाँ पे देखो, मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, वापस जाता हूँ, तो मेरे पास यहाँ पे पहले से कुछ कोड लिखा हुआ है। ये कोड मैंने नहीं लिखा, यहाँ पे आपको सोर्स के अंदर जाना है, ये कोड आपको यहाँ पे मिलेगा। अगर आप यहाँ पे खोलते हो page.tsx, तो यहाँ पर ही आपको कोड मिल जाएगा। ये आपको बोलते भी है गेट स्टार्टेड बाय एडिटिंग सोर्स के अंदर, ऐप के अंदर यहाँ पे आपको मिलेगा page.tsx। ठीक है, इसको खोल के आप यहाँ पे एडिटिंग कर सकते हो। एंड अगर आप यहाँ पे देखो तो ये आपकी यहाँ पे पूरा वो है, क्या कहते हैं, जो आपको वहाँ पे अभी स्क्रीन पे दिख रहा है वो सब आपका यहाँ पर लिखा हुआ है। तो इसको अगर सपोज, एक सेकेंड, इसको इस डिव को हटाते हैं, और कुछ चीजें यहाँ से मैं हटा रहा हूँ, ठीक है, तो एक सेकेंड लगेगा बस मेरे को। और यहाँ से इस सब को मैंने यहाँ पे हटाया, और मैं यहाँ पे सिंपल क्या कर रहा हूँ, मैं यहाँ पे सिंपल हेलो लिख रहा हूँ। ठीक है, मैंने यहाँ पे सिंपल हेलो लिख के इसको कंपाइल किया, कंपाइल यहाँ पे हो रहा है, कंपाइल यहाँ पे हो चुका है। आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे सिंपल हेलो आया, वो सब वहां से जा चुका है। अब ये यहाँ पे मेन है, मेन यहाँ पे HTML का एक बहुत फेमस एक टैग है, ठीक है, जैसे हेडर टैग है, फुटर टैग है, ऐसे ही बीच के कंटेंट के लिए मेन टैग है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एक HTML का यहाँ पे टैग है। और ये जो यहाँ पे क्लासेस हैं, ये यहाँ पे टेलविन CSS की क्लासेस है। तो अगर यहाँ पे मैं सपोज इनको भी हटा दूंगा, तो आप यहाँ पे देखोगे अब बिल्कुल ब्लैंक आएगा, ये कुछ इस तरह से आया है, बिल्कुल ठीक है। तो यहाँ पे आप देखो, तो ये हमारे यहाँ पे मेन फाइल है, ठीक है, जहां से हमारे जो कोड है वो आपको यहाँ पे दिखता है। तो आपको अपना कोड यहाँ पे लिखना है page.tsx में। एक और फाइल है layout.tsx, ठीक है, layout.tsx में आप अगर यहाँ पे देखो तो हमारे पास यहाँ पे कुछ चीजें हैं। ये आप ऐसे समझ सकते हो, ये आपकी index.js है, ठीक है, रिएक्ट की जो index.js है वो यहाँ पे आपकी layout.tsx है। तो एक सेकेंड, अगर यहाँ से मैं आपको अगर यहाँ पे कुछ इसको थोड़ा सा एक यहाँ पे इसको क्लियर कर लूँ, ताकि मेरे को समझाने में थोड़ा इजी हो जाए। तो यहाँ पे मेरे पास एक फंक्शन है जो कि रूट लेआउट के नाम से है, और जो आपके चिल्ड्रन को रेंडर कर रहा है। चिल्ड्रन यहाँ पे क्या चीज है, चिल्ड्रन यहाँ पे आपका page.tsx है। जो भी आपका कोड page.tsx के अंदर लिखा है वो आपका, वो आप यहाँ से एक्सपोर्ट कर रहे हो, और एक्सपोर्ट होने के बाद वो आपका यहाँ पे इसके अंदर जाता है। तो ये जो यहाँ पे चिल्ड्रन है, ये एक्चुअल में आपका page.tsx है। ये जो आपका यहाँ पे कोड लिखा हुआ है ना, है हेलो, ये आपका यहाँ पे, इसको अगर आपको, मैं यहाँ पे काम कर रहा हूँ, इसको मैं यहाँ पे 5-6 बार मैं यहाँ पे कॉपी कर रहा हूँ, ताकि आपको यहाँ पे हेलो इतनी बार दिखेगा। अब मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ये जो चिल्ड्रन है ये मैं यहाँ से हटा रहा हूँ, ताकि आपको थोड़ा सा क्लियर हो जाए। जैसे मैं यहाँ से हटाऊंगा, तो जो भी यहाँ पे page.tsx के अंदर कोड लिखा हुआ है वो सब यहाँ पे आपको कुछ भी नहीं दिखेगा। तो इस चीज की मैं यहाँ पे बात कर रहा था, कि जो आपका यहाँ पे page.tsx है वो यहाँ पे एज अ चिल्ड्रन यहाँ पे पास हो रहा है। चिल्ड्रन क्या है यहाँ पे, वो एक रिएक्ट नोड है। ये यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट का हमने यहाँ पे ये दिया हुआ है, ठीक है, जो भी मैं यहाँ पे हम देते हैं वो मैं आपको दिखाऊंगा कि कैसे देते हैं। एंड आप यहाँ पे, अब इंडेक्स और एचटीएमएल फाइल नहीं है मेरे पास, तो आपको जो भी यहाँ पे मेंशन करना है इंडेक्स डॉट एच टी एम एल फाइल के अंदर, आपको हेड सेक्शन के अंदर कुछ भी मेंशन करना होता था, तो वो आप अब यहाँ पे करोगे इस मेटा डेटा के अंदर। यहाँ पे लिखा हुआ है क्रिएट नेक्स्ट टैब, ये यहाँ पे टाइटल है, ठीक है। तो अगर मैं यहाँ पे सपोर्ट इस टाइटल को मैं यहाँ पे चेंज कर देता हूँ, और मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ सपोर्ट टू डू ऐप, तो आप यहाँ पे देखोगे जो यहाँ पे क्रिएट नेक्स्ट ऐप लिखा हुआ है, इसकी जगह आप यहाँ पे लिखा आएगा टू डू ऐप। ऐसे ही आप यहाँ पे इसको चेंज कर सकते हो, क्रिएटेड विद डेडिकेशन। तो यहाँ पे कुछ भी मैंने ऐसे ही डाल दिया, बट आप यहाँ पे देखो तो ये मेटा डेटा आप यहाँ पे चेंज चेंज कर रहे हो। इंटेल यह चीज है, इंटेल यहाँ पे सिंपल सा एक फॉन्ट है, ठीक है, लैटिन फॉन्ट यहाँ पे लगा हुआ है, जो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे पास भी हो रहा है। ये हम देख लेंगे कि ये कैसे कैसे वर्क कर रहे हैं। यहाँ पे गूगल गूगल के फोन से एक बहुत अच्छी वेबसाइट है, अगर आप यहाँ पे खोल के देखोगे phones.google.com, ठीक है, यहाँ पे दुनिया भर के फोन है, दुनिया भर के यहाँ पे आपको फोन्स मिल जाएंगे। तो यहाँ पर क्या हो रहा है कि नेक्स्ट ईयर के अंदर जो गूगल फोन्स हैं यहाँ पे वही यूज हो रहे हैं, ठीक है, वहीं से आपने यहाँ पे इंटर जो आपने यहाँ पे फोन है वो पिक किया है। तो अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करूंगा इंटर, तो ये वाला फोन वो लोग वहाँ पे यूज कर रहे हैं। तो इस तरह से यहाँ पे कुछ वर्क कर रहे हैं।
तो ये आप ऐसे समझ लो कि ये आपके इंडेक्स और जेएस फाइल है, ठीक है, जो रिएक्ट में इंडेक्स और जेएस फाइल होती है वो यहाँ पे लेआउट डॉट टीएसएक्स है, और जो एप डॉट जेएस फाइल है वो यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स है। तो आपको जो भी यहाँ पे चेंजेस करने हैं वो यहाँ पे इस फाइल के अंदर यहाँ पे करने हैं। तो सबसे पहले यहाँ पे मैं सपोर्ट टेलविंड सीएसएस यहाँ पे आपको खोल के दिखा दूँ कि tailwindcss.com यहाँ पे क्या चीज है। तो ये आपके यहाँ पे टेलविंड सीएसएस है, इसको यूज कैसे करना है, डायरेक्ट क्लासेस है, ठीक है, जैसे बूटस्ट्रैप है, आई होप आपने बूटस्ट्रैप के साथ काम किया होगा। तो बूटस्ट्रैप को अगर आपको यूज करना होता है तो वहां पे डायरेक्ट क्लासेस हैं, ठीक है, आपको क्लासेस उठानी है और उनको यहाँ पे आपको देना है। बिल्कुल सेम यहाँ पर है, गेट स्टार्टेड पे अगर आप यहाँ पे क्लिक करोगे डॉक्यूमेंटेशन इंस्टॉलेशन, आप यहाँ पे इसकी देख सकते हो कि कैसे कैसे आप इसको यहाँ पे इंस्टॉल कर सकते हो, कितना भारी काम है इसको इंस्टॉल करना। ये वही फाइल है tailwindconfig.js जो हमने यहाँ पे अभी देखी थी, ठीक है। आप यहाँ पे देखो, इसने सब कुछ यहाँ पे खुद से कॉन्फ़िगर हमें करके दिया है, ये सब यहाँ पे कुछ भी करने की हमें जरूरत नहीं है। तो अगर आपको कुछ भी यहाँ पे यूज करना है, जैसे मेरे को सपोज यहाँ पे देना है बैकग्राउंड कलर, ठीक है, बैकग्राउंड कलर मेरे को यहाँ पे देना है, तो अगर आपको बैकग्राउंड कलर यहाँ पे देना है तो उसके लिए आपको यहाँ पे ये वाली क्लासेस का यहाँ पे यूज करना होता है, जैसे bg generate है, bg current है, bg black है। bg black अगर आप यहाँ पे दोगे तो इंटरनली यहाँ पे ये css लगेगी, इस वाली css का रैपर है bg black। तो जो आपका bg black यहाँ पे क्लास नेम है वो इसका रैपर है। फिर यहाँ पे bg slate है, जो स्लेट का यहाँ पे जो कलर जो यहाँ पे वैल्यू है, अगर यहाँ पे 50 है तो ये व्हाइट की शेड है, अगर जैसे जैसे आप वैल्यू को बढ़ाते जाओगे तो वो डार्कर कलर की तरफ बढ़ता जाता है। इसको यूज करने से पहले मेरे को यहाँ पे थोड़ी सी सीएसएस रिमूव करनी पड़ेगी। अगर आप यहाँ पे देखो ना, तो यहाँ पे एक सीएसएस आ रही है, ये लीनियर ग्रेडियंट है। अगर आप यहाँ पे आओगे globals.css में, globals.css आप ऐसे मान सकते हो कि ये index.css है, रिएक्ट की index.css है, और यहाँ पे आप देखो तो एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे लग रहा है, और ये बैकग्राउंड कलर जो है वो इसको मेरे को यहाँ पे रिमूव करना है, जो यहाँ पे सीधा बॉडी पे जाके लग रहा है, और ये यहाँ पे लीनियर ग्रेडियंट है, लीनियर ग्रेडियंट यहाँ पे बॉटम से, और यहाँ पे ट्रांसपेरेंट कलर यहाँ पे दे रहा है जो कि ये वाला कलर है, और ये वाला कलर क्या कर रहा है, ये वाली यहाँ पे शेड बना रहा है। तो आपको यहाँ पे क्या करना है, टेलविंड की जो प्रॉपर्टीज है उनको यहाँ पे ऐसे ही छोड़ देना, और जो नीचे वाला एक पूरा पार्ट है इसको यहाँ से आपको रिमूव कर देना है। तो इसको रिमूव करके अगर मैं आपको यहाँ पे चला के दिखाऊंगा तो आप यहाँ पे देखोगे कि जो वो यहाँ से जा चुका है। अब हम यहाँ पे काम कर सकते हैं कि मैं यहाँ पे जो सपोज bg400 है इसको मैं यहाँ से कॉपी कर रहा हूँ, और bg400 को यहाँ से कॉपी करने के बाद आपको यहाँ पे वापस जाना है अपने लेआउट में, और लेआउट में जो बॉडी है, अब यहाँ पे एक वेरिएबल ऑलरेडी कंकैट हुआ हुआ है, तो मेरे को यहाँ पे स्ट्रिंग्स का यूज करना पड़ेगा। मैंने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग्स का मैंने यहाँ पे सपोज यूज किया, क्योंकि यहाँ पे जो हम क्लास नेम डालते हैं, क्लास नेम जब भी हम डालते हैं तो वो एक स्ट्रिंग के अंदर डालते हैं, तो मैंने यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रिंग का मैंने यहाँ पे यूज किया, और मैंने यहाँ पे bg slate 400 जो मेरी यहाँ पे टेलविंड सीएसएस की जो मेरी यहाँ पे क्लास है मैंने यहाँ पे वो डाली। अगर वापस जाके अगर मैं आपको यहाँ पे देखूँ तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे मेरे पास एक बैकग्राउंड कलर आया है, ये जो बैकग्राउंड कलर है ना थोड़ा सा लाइट है, आप इसको और डार्क कर सकते हो। जैसे ही मैंने यहाँ पे 400 का यूज किया, आप अगर यहाँ पे 400 की जगह अगर सपोज मैं यहाँ पे 500 का यूज करूंगा तो आप यहाँ पे देखोगे ये कलर थोड़ा सा और डार्क हो जाएगा, देखो यहाँ पे और डार्क हुआ है। तो ये कुछ यहाँ पे इस तरह से वर्क करता है। ये जो यहाँ पे टेक्स्ट कलर है ये भी आप चेंज कर सकते हो, इसके लिए आप सपोज यहाँ पे मैं कलर, हमारे पास एक सीएसएस होती है, ठीक है, टेक्स्ट कलर अगर मैं यहाँ पे आपको सर्च करके दिखाऊं तो इसकी यहाँ पे सीएसएस बिल्कुल बैकग्राउंड की तरह वर्क करता है। जैसे वहां पे बैकग्राउंड इनहेरिट था, करंट था, फिर वहां पे बैकग्राउंड स्लेट था, ऐसे यहाँ पे हमारे पास टेक्स्ट स्लेट है, ठीक है। तो जितना डार्क आपको चाहिए उसके हिसाब से आप यहाँ पे ले सकते हो। सपोज मैं यहाँ पे ले रहा हूँ टेक्स्ट स्लेट 200, तो टेक्स्ट स्लेट 200 मैंने यहाँ पे लिया, जो कि यहाँ पे ये इसका आरजीबी का शेड है, और इस तरह का यहाँ पे कुछ कलर आएगा। आप यहाँ पे देखो कि ये जो कलर है मेरे पास यहाँ पे, ये मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। तो इस तरह से आप यहाँ पे जो टेलविंड सीएसएस है उसका यहाँ पे आप यूज कर सकते हो, कुछ नहीं करना, बट डायरेक्ट क्लासेस हैं उनको आपको यहाँ पे मेंशन करना है। उसके बाद वापस आते हैं यहाँ पे पेज डॉट टीएसएक्स में। अब मैं यहाँ पे मेन का यूज नहीं कर रहा, ठीक है, या मेन का यूज कर भी सकते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो अभी के लिए सबसे पहले तो मैं यहाँ पे यूज कर रहा हूँ फ्रेगमेंट्स का, क्योंकि मेरे पास यहाँ पे मल्टीपल टैग्स होंगे एंड आप एक कॉम्पोनेंट से मल्टीपल टैग्स को रिटर्न नहीं कर सकते, जेएसएक्स आपको अलाउ नहीं करेगा, तो उसको आपको रैप करना पड़ेगा फ्रेगमेंट्स के साथ। मैंने यहाँ पे फ्रेगमेंट्स के साथ इसको यहाँ पे रैप किया। एक हेडर टैग एचटीएमएल का बहुत फेमस, वो मैंने यहाँ पर लिया, और एच1 टैग के अंदर मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ टू डूज, ठीक है। तो टू डूज मैंने यहाँ पर लिखा, तो इस सब की जगह अभी यहाँ पे आपके पास टू डूज लिखा है, जैसे कि आप यहाँ पे देख भी सकते हो यहाँ पे आपके पास टू डूज लिखा है, ठीक है। एक यहाँ पे मेरे को एक बैकग्राउंड कलर चाहिए, क्योंकि जो हेडर है ना वो मैं यहाँ तक चाहता हूँ कि ये हेडर मेरा यहाँ तक आए। तो यहाँ पे मैं क्या कर रहा हूँ, ये जो मेरा यहाँ पे
हेडर है इसमें, यहाँ पे क्लास नेम ले रहा हूँ, क्लास नेम बीजी मैंने आपको दिखाया था, बीजी स्लेट की हेल्प से आप यहाँ पे एक क्लास डाल सकते हो बैकग्राउंड कलर कलर को यहाँ पे चेंज करने के लिए। एंड मेरे को यहाँ पे बिल्कुल डार्क कलर चाहिए, तो यहाँ पे 950 में यहाँ पे ले रहा हूँ। 950 हमारे पास यहाँ पर होता है, अगर आप यहाँ पे देखोगे तो टेक्स्ट में दिखा रहा हूँ से, क्योंकि सेम बैकग्राउंड में भी है, तो यहाँ पे आप देखो 950 है हमारे पास यहाँ पे, और ये बहुत डार्क कलर है। तो हमने यहाँ पे ये लिया, आप यहाँ पे देखोगे एक बैकग्राउंड कलर यहाँ पे आएगा, ये बैकग्राउंड कलर मेरे पास यहाँ पे आ चुका है। थोड़ी सी पैडिंग चाहिए, ये पैडिंग के लिए शॉर्ट चलता है यहाँ पे पी। आप अगर यहाँ पे वापस आके अगर मैं आपको यहाँ पे देखो, आपको जो भी डालना है ना वो आप यहाँ पे डाल सकते हो। जैसे मैंने पैडिंग डाल ली तो पी जीरो पी पी एक्स, ये आपका अलोंग द हॉरिजॉन्टल एक्सिस चलता है। पी एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल एक्सिस, एक्स मतलब हॉरिजॉन्टल और वाई मतलब वर्टिकल। तो जैसे यहाँ पे हॉरिजॉन्टल आया तो आप यहाँ पे देखो लेफ्ट और राइट की सी एस एस इसने उठा ली, और वाई आया तो आप यहाँ पे देखो टॉप और बॉटम का यहाँ पे इसने उठा लिया। ठीक है, P अगर आप यहाँ पे लिखते हो मतलब ये चारों तरफ का हैंडल करेगा, और मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ P4। ठीक है, P4 मैंने यहाँ पे आपकी जैसे जैसे आप वैल्यूज को बढ़ाते जाओगे वैसे वैसे वैसे, वैसे यहाँ पे पैडिंग आपकी बढ़ती जाएगी। जो पैडिंग है मेरी यहाँ पे वो भर चुकी है। उसके बाद मेरे को यहाँ पे टेक्स्ट साइज जो है उसको यहाँ पे मेरे को चेंज करना है। तो यहाँ पे जो फॉन्ट साइज है वो आपको यहाँ पे वो सर्च करना है। फॉन्ट साइज में आप यहाँ पे देखो कि अगर आप एक्सेस एक्सेस ले लिखते हो जो कि यहाँ पे एक्स्ट्रा स्मॉल है, तो यहाँ पे इन्होंने 1 rem और 0.75 rem यहाँ पे आएगा। इन्होंने यहाँ पे उसका इक्विवेलेंट पिक्सल भी दिया हुआ है। ठीक है, आपको कितना बड़ा चाहिए वो आप यहाँ पे जैसे जैसे आप नीचे आओगे तो यहाँ पे वो बड़ा होता जाएगा। जैसे आप यहाँ पे देखो 12 पिक्सल से यहाँ पे स्टार्ट हुआ था, तो ये 14 पिक्सल 16 पिक्सल 18 पिक्सल 20 पिक्सल, तो जैसे जैसे नीचे आओगे ये आपका यहाँ पे बड़ा होता जाएगा। और मेरे को यहाँ पे जो आपका लार्ज है उसका यहाँ पे 3 times चाहिए, तो मेरे को टेक्स्ट 3 into L ये वाली मेरे को यहाँ पे क्लास चाहिए। बट कहाँ पे चाहिए ये मेरे को क्लास चाहिए आपके हेडर पे। हेडर का जो मेरे यहाँ पे साइज है, जो मैंने यहाँ पे टेक्स्ट लिखा है उसको मेरे को थोड़ा सा बड़ा करना है, तो मैंने यहाँ पे ये डाला। तो अगर वापस आके आपको मैं यहाँ पे दिखाऊँ तो ये आपको यहाँ पे स्टैम पे बड़ा हो चुका है, बिल्कुल ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हेडर के जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे मेन टैग चाहिए, एक मेन टैग ले लेते हैं। मेन टैग के अंदर मेरे को यहाँ पे इनपुट फील्ड चाहिए। इनपुट फील्ड टाइप क्या होगा, इनपुट फील्ड का टाइप यहाँ पे सपोज टेक्स्ट है, ठीक है, और आपको इसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ यहीं पर ही क्लोज कर देना है, क्योंकि यहाँ पे इनपुट फील्ड का कोई भी क्लोजिंग नहीं होता, और जिसका क्लोजिंग नहीं होता आपको वहाँ पे उसको सेल्फ क्लोजिंग टैग के साथ क्लोज करना होता है। ठीक है, तो वापस आके अगर मैं आपको यहाँ पे देखो तो आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे ये आया है। थोड़ी सी पैडिंग दे देते हैं ताकि जो मेरा इनपुट फील्ड है वो भी बिल्कुल इसी के साथ, इसी के जस्ट नीचे से यहाँ पे स्टार्ट हो। तो यहाँ पे क्लास नेम में पैडिंग मैंने दिखाया था आपको कैसे दे सकते हैं। यहाँ पे आपको लिखना है P-4 और यहाँ पे आप देखोगे एक थोड़ी सी पैडिंग आएगी जो कि यहाँ पे आ चुकी है। यहाँ पे आते हैं वापस, एक प्लेस होल्डर ले लेते हैं। प्लेस होल्डर होता है कि एक हिंट होता है कि आप इस इनपुट फील्ड में क्या एंटर कर सकते हो, तो प्लेस होल्डर जो होता है वो एक हिंट होता है। मैंने यहाँ पे डाला एंटर अ न्यू टू डू, तो आप यहाँ पे देखो एक हिंट आया है यहाँ पे। इसमें थोड़ी बहुत क्लासेस डाल लेते हैं, क्लासेस आपको जो भी चाहिए ना, जैसे मेरे को पैडिंग चाहिए तो P2 मैंने यहाँ पे डाल दिया, पैडिंग का यहाँ पे शॉर्ट है P। मेरे को यहाँ पे अब जो इसका बॉर्डर है वो घुमाना है, तो आप यहाँ पे बॉर्डर रेडियस सर्च कर सकते हो, मतलब जो भी आपको CSS की CSS अगर आपको पता हो, ठीक है, जो भी अगर आपको CSS पता है, जैसे बॉर्डर रेडियस यहाँ पे CSS है, तो आपने बॉर्डर रेडियस यहाँ पे सर्च किया, उसका इक्विवेलेंट ढूंढ लिया कि टेलीवेंट में उसका इक्विवेलेंट क्या एग्जिस्ट करता है। जैसे राउंडेड है, राउंडेड एग्जिस्ट करता है जो इसको घुमाएगा 4 pixel, बहुत है 4 pixel मेरे लिए यहाँ पे बहुत है। आप यहाँ पे देखो इसके जो बॉर्डर्स हैं वो भी यहाँ से घूम जाएंगे, ये यहाँ पे घूम चुके हैं। और थोड़ी सी पैडिंग भी इसने दी है क्योंकि मैंने यहाँ पे P2 डाला था, तो यहाँ से इसने पैडिंग भी उठा ली। मेरे को यहाँ पे मार्जिन चाहिए, आपको यहाँ पे मार्जिन चाहिए तो आप यहाँ पे डायरेक्ट सर्च कर सकते हो मार्जिन। आप यहाँ पे मार्जिन देखोगे, मार्जिन 0 मतलब चारों तरफ से 0, mx है मतलब हॉरिजॉन्टल, my है मतलब यहाँ पे वर्टिकल, और अगर आपको एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में डालना है जैसे MR में अगर आपको यहाँ पे डालना है मार्जिन राइट, अगर आपको यहाँ पे डालना है तो आप वो डाल सकते हो। जैसे मेरे को मार्जिन राइट ही डालना है तो MR मेरे को कितना चाहिए, सपोज मैं यहाँ पे 5 डाल रहा हूँ, क्योंकि इसके जस्ट नीचे मेरे को यहाँ पे एक बटन चाहिए। बटन क्या कौन सा बटन होगा, सपोज एड बटन होगा, तो इन दोनों के बीच में यहाँ पे स्पेस आए, ये जो बटन है और इसके बीच में यहाँ पे स्पेस आए, उसकी वजह से मैंने यहाँ पे एक मार्जिन यहाँ पे ऐड किया है। ठीक है, और ये चीज बिल्कुल ठीक है। बट अगर मैं यहाँ पे कुछ भी टाइप कर रहा हूँ तो वो कुछ अलग ही कलर में यहाँ पे टाइप हो रहा है, तो इसके कलर को भी मेरे को यहाँ पे चेंज करना पड़ेगा। कलर आप यहाँ पे डाल सकते हो टेक्स्ट स्लेट की हेल्प से, हमने देखा था कि वहाँ पे कलर डाल सकते हैं। मेरे को यहाँ पे बिल्कुल डार्क कलर चाहिए, मैंने यहाँ पे 900 लिया, और आप यहाँ पे देखो ये बिल्कुल यहाँ पे सही चल रहा है। इसके बाद अब जो बटन है उसमें ऐड कर देते हैं अपनी जो क्लासेस हैं। यहाँ पे क्लास नेम सबसे पहले तो मेरे को यहाँ पे बॉर्डर चाहिए,
ये यहाँ पे कोई भी बॉर्डर नहीं आया हुआ, तो मेरे को यहाँ पे बॉर्डर चाहिए। बॉर्डर हम कैसे डाल सकते हैं, बॉर्डर अगर आपको डालना है तो उसको आपको यहाँ पे बॉर्डर विथ आएगी। यहाँ पे आप देखो बॉर्डर विथ मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है, और बॉर्डर जीरो मतलब जीरो पिक्सल। कितना बॉर्डर चाहिए मेरे को यहाँ पे, बॉर्डर टू, 2 पिक्सल का बॉर्डर यहाँ पे बहुत रहता है। ठीक है, वैसे तो 1 पिक्सल ही बहुत हो जाता है, बट 1 पिक्सल का अपने पास यहाँ पे ऑप्शन नहीं है, सीधा 2 पिक्सल का ऑप्शन है। तो मैंने यहाँ पे बॉर्डर विथ 2 डाला, और आप यहाँ पे देखो मेरे पास यहाँ पे बॉर्डर आया, बट ये कुछ इस तरह से आया है। पैडिंग दे देते हैं, सपोज ये मैंने यहाँ पे P2 करके यहाँ पे पैडिंग डाली, बिल्कुल ठीक है। इसके बाद इसको हल्का सा घुमाते हैं, ठीक है। बॉर्डर रेडियस मैंने यहाँ पे दिया, तो मैंने सर यहाँ पे डाला राउंडेड, बिल्कुल ठीक है। एड काफी छोटा लग रहा है लिखा हुआ, तो एक काम करते हैं बटन के हिसाब से, क्योंकि बटन भी काफी छोटा है, तो इसका टेक्स्ट थोड़ा सा बड़ा करने के लिए, बटन का साइज थोड़ा बड़ा करने के लिए यहाँ पे मैं डाल रहा हूँ एड टू डू। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। एंड इस तरह से आपका यहाँ पे अपना UI तैयार कर सकते हो विद टेलविन CSS। इसके बाद मेरे को यहाँ पे अपने सभी टू डूज को यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा नीचे, तो उसके लिए हम यहाँ पे एक अनऑर्डर्ड लिस्ट में यहाँ पे बना रहा हूँ, ठीक है। अनऑर्डर्ड लिस्ट के अंदर, क्योंकि एक लिस्ट की तरह ही मेरे को यहाँ पे अपने जितने भी मेरे यहाँ पे आपके टू डूज हैं, ठीक है, उनको यहाँ पे मेरे को मेंशन करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे सिंपल एक UL लिया, एक अनऑर्डर्ड लिस्ट बनाई, और वो यहाँ पे कुछ इस तरह से आएगी, ठीक है। ऊपर से मेरे को स्पेस चाहिए, तो वो हमने देखा था स्पेस हम कैसे डाल सकते हैं, मार्जिन हमने देखा था, तो MT5 में यहाँ पे डाल रहा हूँ। MT मतलब मार्जिन टॉप, बिल्कुल बूटस्ट्रैप की क्लासेस हैं, ठीक है। MT और MR ये सब आपका बूटस्ट्रैप में बिल्कुल डिट्टो वर्क करता है। इसके बाद मेरे को यहाँ पे जो आपका ये है, ठीक है, जो आपकी LI है, इस पे मेरे को यहाँ पे चाहिए CSS चाहिए, तो इसके लिए हम यहाँ पे क्लास नेम में यहाँ पे डाल रहा हूँ। एक CSS है जो हमने ऊपर डाली थी, जो कि था यहाँ पे text3:1, ठीक है, यही मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ। टू डूज में हमने यहाँ पे हेडिंग में डाली थी। ये क्या करता है, यहाँ पे आपका जो स्क्रीन साइज है, टेक्स्ट साइज है, वो यहाँ पे बढ़ा देगा। 3:1 नहीं है, 3:L है, 3 times L। तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे आपका भर चुका है। मार्जिन लेफ्ट चाहिए, तो ML5 ले लेते हैं, ताकि ये यहाँ से इसके थोड़ा सा आगे से स्टार्ट हो, कुछ इस तरह, ठीक है। अगर मैं इस पे जाता हूँ तो ये मेरा यहाँ पे कॉपी करने का ऑप्शन देता है, बट मेरे को यहाँ पे ये नहीं चाहिए। तो हमारे पास एक और क्लास है कर्सर के नाम से, कर्सर पॉइंटर में कुछ चाहिए, तो वो आएगा आपका यहाँ पे cursor-pointer से। तो इसको यहाँ से कॉपी कर लेना है, वापस आते हैं और यहाँ पे लाके आपको इसको पेस्ट कर देना है, बहुत आसान है, ठीक है। CSS आपको पता है, बस उस CSS का आपको यहाँ पे रिप्लेसमेंट ढूंढना है, तो उसको यहाँ पे सीधा सर्च करना है टेलविन में, एंड दैट्स इट। अब मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है सर, अब मेरे को यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे एंटर करोगे इस वाले इनपुट में, आप जो भी यहाँ पे टू डू अपना एंटर करोगे, उस टू डू में का टू डू को मेरे को उसको स्टोर करा देना है। तो स्टोर कराने के लिए मेरे को यहाँ पे एक स्टेट बनानी पड़ेगी, क्योंकि बिना स्टेट बनाए तो काम चलेगा नहीं। तो सर मैंने यहाँ पे क्या किया, एक स्टेट यहाँ पे मैंने बनाई, और मैंने यहाँ पे यूज स्टेट को इंपोर्ट कर लिया आपके रिएक्ट के अंदर से, ठीक है। लेकिन ये मेरे को यहाँ पे एरर देगा, एरर इसको मेरे को देना चाहिए था, कंसोल पे इसने दिया नहीं। यहाँ पे इसको 1 सेकेंड रिफ्रेश करते हैं, अभी इसने एरर नहीं दिया, बट आगे जाके ये मेरे को एरर देगा कि हमें यहाँ पे स्पेसिफाई करना होता है। मैं जैसे मैंने आपको बताया था कि जो नेक्स्ट जेएस है वो आपका क्लाइंट साइड रेंडरिंग और सर्वर साइड रेंडरिंग दोनों करता है, तो बाय डिफॉल्ट वो सर्वर साइड रेंडरिंग करता है। अगर आपको क्लाइंट साइड रेंडरिंग करवानी है, तो आपको इसको बताना पड़ता है नए नेक्स्ट जेएस को कि ब्रो ये वाला जो आपका कॉम्पोनेंट है वो क्लाइंट साइड के लिए, मतलब क्लाइंट साइड मतलब ये वाला कॉम्पोनेंट आपका फ्रंट एंड का कॉम्पोनेंट है, और ये वाला कॉम्पोनेंट आपका बैक एंड का कॉम्पोनेंट है। By default ये ट्रीट करता है सभी components को backend के component। अगर कोई आपका front end का component है, तो आपको उसको यहाँ पे बताना पड़ेगा। जैसे एक error का wait कर लेते हैं, error आएगी, ठीक है। तो error का मैं यहाँ पे उसका wait कर लेता हूँ, ठीक है। वैसे use state declare करते ही वाली error यहाँ पे आनी चाहिए थी, ठीक है, कि ये error देगा कि ये आप यहाँ पे use state आपने यहाँ पे declare कर, हाँ दे दी, ठीक है। इसी error की मैं बात कर रहा था। तो यहाँ पे आप देखो कि यहाँ पे जो एरर है वो मैं पढ़ के बता देता हूँ। यू आर इम्पोर्टिंग अ कॉम्पोनेंट दैट मीन्स यूज स्टेट, ठीक है। आप एक कॉम्पोनेंट को इम्पोर्ट कर रहे हो जो यूज स्टेट का यूज कर रहा है। इट ओनली वर्क्स इन क्लाइंट कॉम्पोनेंट्स, वो सिर्फ क्लाइंट कॉम्पोनेंट में वर्क करता है, जो मतलब फ्रंट एंड कॉम्पोनेंट्स में वर्क करता है। बट जैसे कि मैंने आपको बताया कि बाई डिफॉल्ट सभी कॉम्पोनेंट्स को एज अ बैक एंड कॉम्पोनेंट ट्रीट करता है, तो यहाँ पे वो इसने साफ बताया कि आपको यहाँ पे इसको क्लाइंट मार्क करना पड़ेगा, कि आपको यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा कि ये वाला जो कॉम्पोनेंट है वो आपका क्लाइंट कॉम्पोनेंट है। तो इन्होंने सॉल्यूशन में बताया कि आपको यहाँ पे इसको यूज पेरेंट से मैप करना है। जैसे कि आप यहाँ पे देखोगे कि मे बी वन ऑफ दिस शुड बी मार्क्ड एज अ क्लाइंट एंट्री विद यूज क्लाइंट, तो आपको यहाँ पे सबसे ऊपर आना है और यहाँ पे आपको लिखना है यूज क्लाइंट, ठीक है। एंड यहाँ पे आपको बस ये मेंशन करना है,
यूज क्लाइंट आपको यहाँ पे मेंशन करना है ये, इससे क्या होगा, नेक्स्ट जेएस को एक इंडिकेशन मिल जाएगी कि ब्रो ये आपके फ्रंट एंड की फाइल है, ये आपका फ्रंट एंड का कॉम्पोनेंट है। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, यूज स्टेट मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट किया और मैंने यहाँ पे एक स्टेट बना ली टू डू के नाम से, और यहाँ पे सेट टू डू जो कि स्टेट को अपडेट करेगा, या आपको ऑलरेडी पता होगा अगर आप रिएक्ट से आए हो तो। और यहाँ पे यूज स्टेट मैंने यहाँ पे इसको एक ऑब्जेक्ट ले लिया, ऑब्जेक्ट भी हटा के हम यहाँ पे इसको एक स्ट्रिंग ले सकते हैं, क्योंकि एक एक्चुअल में वो टू डू जो है वो एक स्ट्रिंग ही है। मैंने यहाँ पे स्ट्रिंग लिया और मेरे को कैसे टू डू को पिक करना है, मेरे को यहाँ पे इसको पिक करना है जैसे ही यहाँ पे वैल्यू चेंज होती है, जैसे मैं यहाँ पे टाइप कर रहा हूँ तो वैल्यू यहाँ पे चेंज हो रही है, मतलब यहाँ पे ऑन चेंज मेरे को यहाँ पे लगाना पड़ेगा। तो ऑन चेंज मैंने यहाँ पे लगाया, वैल्यू जो आपकी आती है वो आती है आपके इवेंट के अंदर से, मेरे को यहाँ पे इवेंट पास करना पड़ेगा और यहाँ पे मैंने लिखा सेट टू डू, और जो इनपुट फील्ड की जो वैल्यू होगी वो आपकी आएगी ई डॉट अरे टारगेट डॉट वैल्यू के अंदर से। तो इस तरह से आप यहाँ पे वैल्यू को निकाल सकते हैं, क्योंकि इनपुट टैग जो होता है वो फॉर्म का टैग होता है, एंड जितने भी आपके फॉर्म एलिमेंट्स होते हैं उन सब में एक वैल्यू प्रॉप चलता है जिसकी हेल्प से आप वैल्यू को सेट कर सकते हो। अब यहाँ पे कुछ और चीजें भी हैं, जैसे एक काम करते हैं, ये जो यहाँ पे आपका होम कॉम्पोनेंट लिखा हुआ है ना, इसको यहाँ से इसको एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट में चेंज कर लेते हैं, ठीक है। कुछ टाइप स्क्रिप्ट का हम यहाँ पे यूज कर रहे हैं तो टाइप स्क्रिप्ट यूज भी तो कर लें या बस एक्सटेंशन है और यहाँ पे टाइप स्क्रिप्ट। तो मैंने यहाँ पे क्या किया, एक्सपोर्ट डिफॉल्ट होम मैंने किया। अब मेरे को यहाँ पे ये बताना है कि ब्रो ये आपका एक रिएक्ट कॉम्पोनेंट, ठीक है, ये आपका यहाँ पे एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट है। अब जब भी आपको यहाँ पे ऐसा कुछ मेंशन करना होता है, ठीक है, डेटा टाइप इसको कहते हैं या टाइप कहते हैं वैसे तो इसको, कि जब भी आपको टाइप स्क्रिप्ट की हेल्प से कोई टाइप मेंशन करना है तो हमेशा आप लगाते हैं वहां पे कॉलन। कॉलन लगाने के बाद आपको यहाँ पे लिखना है रिएक्ट डॉट और ये आपका होता है यहाँ पे फंक्शनल कॉम्पोनेंट। तो ये आपका यहाँ पे एक फंक्शन कॉम्पोनेंट है। आपने यहाँ पे इस टाइम पे टाइप स्क्रिप्ट को ये बताया कि जो आपका होम है वो एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट है। इसकी एक वैसे शॉर्टकट भी है react.fc, ठीक है, fc यहाँ पे स्टैंड फॉर फंक्शनल कॉम्पोनेंट। तो ये यहाँ पे आपने क्या बताया रिएक्ट को, टाइप स्क्रिप्ट को सॉरी, कि ये यहाँ पे एक फंक्शनल कॉम्पोनेंट है। उसके बाद आप यहाँ पे यूज स्टेट में आपने यहाँ पे इसको बाय डिफॉल्ट एक स्ट्रिंग मार्क किया है, ठीक है। आप चाहते हो कि ब्रो ये स्ट्रिंग ही रहे, आप इसको एक स्ट्रॉन्गली टाइप्ड कर रहे हो कि ये स्ट्रिंग रहे, आगे जाकर ये इसमें कोई एरे या कोई ऑब्जेक्ट ना डाल दे, तो आपको इसको यहाँ पे कुछ इस तरह से एंगल ब्रैकेट्स लगा के यहाँ पे स्ट्रिंग को मेंशन करना पड़ेगा। आपने यहाँ पे इस वाली जो स्टेट है उसका डेटा टाइप मेंशन कर दिया कि ब्रो ये यहाँ पे एक स्ट्रिंग है। उसके बाद आपने यहाँ पे जो वैल्यू स्टोर कराई है वो यहाँ पे एक स्ट्रिंग ही करवाई है। अगर सपोज मैं यहाँ पे एक एरे पास कर देता हूँ ना तो ये रो देगा, ठीक है। आप सपोज मैं यहाँ पे डाल रहा हूँ कोड फॉर इंटरव्यू, एरे के अंदर मैंने यहाँ पे एक स्ट्रिंग डाल दी जो कि यहाँ पे कोड फॉर इंटरव्यू, इसने एरर दे दिया। एरर क्या है, आर्गुमेंट ऑफ टाइप स्ट्रिंग इज नॉट असाइनेबल टू पैरामीटर ऑफ टाइप सेट स्टेट एक्शन स्ट्रिंग। यहाँ पे एक एरे को एक स्ट्रिंग के अंदर स्टोर नहीं करा सकते, ये यहाँ पे स्ट्रिंग ऑफ एरे लिखा हुआ है, मतलब यहाँ पे साफ लिखा हुआ है इसने कि ये यहाँ पे एक एरे ऑफ स्ट्रिंग्स है। अगर मैं सपोज यहाँ पे एरे ऑफ स्ट्रिंग्स ना बना के इसको नंबर बनाता हूँ तो यहाँ पे आप देखोगे इस टाइम पे जो एरर है वो यहाँ पे कुछ और आएगी। तो जो एरर है वो देख लेते हैं एक सेकेंड। तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे नंबर है कि एरे ऑफ नंबर इज नॉट असाइनेबल टू टाइप स्ट्रिंग, तो इसका ये फायदा है, ठीक है। आगे जाकर कोई जो वैल्यूज है उनको यहाँ पे चेंज ना कर दे, उस वजह से आप यहाँ पे जो आपका डेटा टाइप है वो आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो। मेरे पास यहाँ पे जो टू डू है वो तो मेरे पास यहाँ पे निकल के आ चुका है। अब मेरे को बटन के क्लिक पे अब मेरे को यहाँ पे जो आपका टू डू है उसको यहाँ पे आपको ऐड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे एक सिंपल मैं एक फंक्शन बना रहा हूँ जो कि होगा यहाँ पे आपका ऐड टू डू के नाम से, ठीक है। और यहाँ पे सपोज कॉन्स्ट ऐड टू डू इज इक्वल्स टू, क्योंकि अभी यहाँ से मैंने सिर्फ एक टू डू को फेच किया, ये वाली जो स्टेट है वो क्या कर रही है, सिर्फ एक टू डू को यहाँ पे फेच कर रही है, लेकिन बाकी सारे टू डूज कहाँ पे पड़े हैं। अगर मेरे पास मल्टीपल टू डूज हैं तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे एक अलग से स्टेट बनानी पड़ेगी कॉन्स्ट और टू डूज के नाम से, और यहाँ पे आ जाएगा सपोज सेट टू डूज इज इक्वल्स टू यूज स्टेट, और यहाँ पे ये होगा आपका एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स क्योंकि यहाँ पे आपके मल्टीपल टू डूज होंगे। तो पहले वाले जो स्टेट है टू डू ये क्या कर रही है, आपके सिर्फ एक एक टू डू को यहाँ पे फेच कर रही है। नीचे वाली जो स्टेट है टू डूज ये क्या कर रही है, आपके सभी टू डूज को स्टोर कर रही है। तो सभी टू डूज मेरे यहाँ पे इसके अंदर स्टोर हो रहे हैं, तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे सेट टू डू के अंदर जो एक एरे है और इसके अंदर मेरे को यहाँ पे आपके सबसे पहले टू डू को डालना है। तो यहाँ पे आपको एरे के अंदर टू डू को डालना है, उसके बाद आपको यहाँ पे जो एग्जिस्टिंग टू डूज है उनको रिप्लेस नहीं करना, तो आपको यहाँ पे जो जितने भी आपके टू डूज हैं उसको यहाँ पे आपको डालना पड़ेगा, एंड यहाँ पे आपको जो आपका नया वाला टू डू है वो भी डालना पड़ेगा, लेकिन वो मैं यहाँ पे एज एन ऑब्जेक्ट यहाँ पे डाल रहा हूँ क्योंकि मेरे को बाकी वैल्यूज भी चाहिए। मेरे को यहाँ पे एक आईडी चाहिए सबसे पहले, तो
आईडी सपोज अभी के लिए मैं यहाँ पे वन कर वन डाल रहा हूँ। उसके बाद वैल्यू में मेरे को यहाँ पे टू डू चाहिए, क्योंकि जो आपका टू डू है वो यहाँ पे इस वाले टू डू के अंदर है, जो आपका टू डू है वो यहाँ पे इस वाले टू डू के अंदर है, तो मैंने यहाँ पे उसको वैल्यू के अंदर यहाँ पे स्टोर करा है। एक और चीज मेरे को यहाँ पे चाहिए कि ये वाला जो टू डू है वो आपका कंप्लीट हो चुका है या नहीं हो चुका, तो डन मैंने यहाँ पे एक ले रहा हूँ इनिशियल में, यहाँ पे इसको फॉल्स पास कर रहा हूँ। अब यहाँ पे एरर दे रहा है। एरर क्या है कि टाइप एन ऑब्जेक्ट इज नॉट असाइनेबल टू टाइप, नेवर, आपने यहाँ पे इसका टाइप ही नहीं मेंशन किया, मतलब कि इनिशियली यहाँ पर ये एक एरे है और आप यहाँ पे एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट्स को स्टोर करा रहे हो, तो आपको सबसे पहले तो मेंशन करना पड़ेगा कि यहाँ पे क्या चीज है। तो एक काम कर लेते हैं, एक मॉडल बना लेते हैं। तो यहाँ पे मैं यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ऐप के अंदर ही एक यहाँ पे फोल्डर बना लेते हैं, ठीक है। तो फोल्डर में यहाँ पे बना रहा हूँ सपोज मॉडल्स के नाम से मैंने यहाँ पे फोल्डर बनाया और मैं यहाँ पे एक फोल्डर बना रहा हूँ टू डू डॉट टी एस एक्स के नाम से। और इसके अंदर यहाँ पे देखो बताता हूँ मैं अभी यहाँ पे क्या कर रहा हूँ, ठीक है। अभी कोई भी टेंशन लेने की यहाँ पे जरूरत नहीं है। मैं यहाँ पे जो भी मेरे ऑब्जेक्ट की वैल्यूज हैं, जैसे यहाँ पे आप देखो कि मेरे पास यहाँ पे तीन फील्ड्स हैं, आईडी है, वैल्यू है और यहाँ पे डन है। तो ये जो यहाँ पे तीनों फील्ड्स हैं, इसको मेरे को यहाँ पे क्या काम करना है, इसको मेरे को यहाँ पे एक मॉडल, एक स्कीमा टाइप आप समझ लो कि मेरे को यहाँ पे एक स्कीमा बनाना पड़ेगा, जिससे मेरे को यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट को वैलिडेट करना पड़ेगा कि यहाँ पे इस वाले ऑब्जेक्ट में ये सब वैल्यूज आ रही हैं या नहीं आ रही, और फिर उसको मेरे को यहाँ पे इसके अंदर स्टेट के अंदर यहाँ पे पास करना पड़ेगा। तो मैंने यहाँ पे एक स्कीमा बना लिया टू डू ऑब्जेक्ट्स के नाम से। अब मेरे पास वहाँ पे तीन फील्ड्स हैं। पहली जो फील्ड है वो मेरे पास यहाँ पे आईडी है, जो यहाँ पे एक स्ट्रिंग होनी चाहिए, ठीक है। दूसरा मेरे पास यहाँ पे वैल्यू है, जो कि यहाँ पे एक स्ट्रिंग होना चाहिए। तीसरी चीज मेरे पास यहाँ पे डन है, जो कि यहाँ पे आपका बुलियन होना चाहिए, ठीक है। तो ये तीन फील्ड्स हैं मेरे पास यहाँ पे, इसको मैंने यहाँ पे एक्सपोर्ट कर दिया, मैंने यहाँ पे इसको एज एन इंटरफेस बनाया था। और उसके बाद यहाँ पे सबसे पहले तो इसको मैंने आईडी को मैंने वहां पे एक स्ट्रिंग लिया, तो यहाँ पे इसको नंबर से स्ट्रिंग में चेंज कर देते हैं। दूसरी चीज आपको उसको वहां से इंपोर्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो उसको यहाँ पे क्या कर रहा हूँ मैं, जो आपका टू डू ऑब्जेक्ट है उसको मैंने वहां से सपोज इंपोर्ट किया। अब इसके अंदर मेरे को यहाँ पे इसको पास करना पड़ेगा, तो यहाँ पे क्या किया मैंने, टू डू ऑब्जेक्ट मैंने यहाँ पे पास कर दिया। लेकिन यहाँ पे एक प्रॉब्लम है, प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि टू डू ऑब्जेक्ट जो है वो सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है। आप अगर यहाँ पे देखोगे तो ये सिर्फ एक ऑब्जेक्ट है और जो आपकी स्टेट है वो एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट है। तो अगर आपको एक ऑब्जेक्ट को एक एरे ऑफ ऑब्जेक्ट में चेंज करना है, तो यहाँ पे आपको ऑब्जेक्ट के बाद एक ये लगाना पड़ता है। और जैसे मैंने यहाँ पे एक एरे इसको बनाया, तो आप यहाँ से देखो सारे जितने भी मेरे पास यहाँ पे एरर्स हैं वो सब मेरे पास यहाँ पे जा चुके हैं, तो बिल्कुल ठीक है। इसके बाद यहाँ पे आपको क्या करना है, एक बार वापस आके इसको चला के देख लेते हैं। तो सपोज मैंने यहाँ पे हाई मैंने यहाँ पे लिखा, ऐड टू डू पे क्लिक किया, तो वो वहाँ पे आपकी टू डू में जाके ऐड होगा। लेकिन जैसे आप इस बटन पे यहाँ पे क्लिक करोगे, तो इस ये जो आपकी स्टेट है इसको मेरे को एम्प्टी भी करना है। तो उसके लिए आपको यहाँ पे जो आपका सेट टू डू है उसको आपको वापस से यहाँ पे जो आपका एम्प्टी स्ट्रिंग है उसको यहाँ पे उसमें सेट करना पड़ेगा। तो अगर मैं यहाँ पे वापस आता हूँ, इस पर एक सेकंड रिफ्रेश कर लेते हैं, यहाँ पे मैं हाई लिखता हूँ ना, तो ये मेरे यहाँ से क्लियर होना चाहिए जैसे मैं ऐड टू डू पे यहाँ पे क्लिक करूंगा। बट ये मेरा क्लियर नहीं हुआ। क्यों नहीं क्लियर हुआ, क्योंकि अभी जो मेरे यहाँ पे इनपुट फील्ड जो है मेरे यहाँ पे वो एक अनकंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट है। मेरे को यहाँ पे वैल्यू में आपकी जो स्टेट है उसको यहाँ पे सेट करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे इसको एक कंट्रोल्ड कॉम्पोनेंट में चेंज करना पड़ेगा। तो यहाँ पे जो आपका टू डू है उसको मैंने यहाँ पे सेट कर दिया। अब अगर मैं यहाँ पे हाई लिखता हूँ और ऐड टू डू पे क्लिक करूंगा, तो आप यहाँ पे देखो ये यहाँ पे एम्प्टी होगा। इसके बाद अब जो भी आपका टू डू है, ठीक है, उसको मेरे को यहाँ पे इस वाली लिस्ट के अंदर यहाँ पे डालना है। तो आपको सबसे पहले तो जो भी आपके टू डूज हैं उनको आपको यहाँ पे आपको लूप करना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पे मैप फंक्शन का यहाँ पे यूज कर रहा हूँ इनको लूप करने के लिए, बिल्कुल सही है। इसके बाद जो आपका एल आई है इसको यहाँ से कर लेते हैं कट, और यहाँ पे इसके बीच में यहाँ पे इसको पेस्ट कर रहा हूँ। इसमें दो तीन वैल्यूज मेरे पास आ रही है, ठीक है, जो आपका यहाँ पे टू डू जो आपका यहाँ पे है इसमें दो तीन वैल्यूज है मेरे पास यहाँ पे। सबसे पहले तो ये जो आपका यहाँ पे टू डू ऑब्जेक्ट है ना, इसमें तीन वैल्यू है मेरे पास यहाँ पे, और जो एक्चुअल वैल्यू है वो आपके यहाँ पे टू डू के अंदर जो वैल्यू फील्ड है उसके अंदर है। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिख दोगे तो ये बिल्कुल मस्त चलेगा। इसको सपोज मैं यहाँ पे आके वापस रिफ्रेश करता हूँ, यहाँ पे मैंने सपोज हाई लिखा, एड टू डू पे क्लिक किया, तो आप यहाँ पे देखो यहाँ पे हाई आया, ठीक है, हेलो करता हूँ, तो ये यहाँ पे इसमें जाके ऐड होगा। आप यहाँ पे देखो इसमें जाके यहाँ पे ऐड हुआ है, लेकिन ये इसके नीचे आया है, लेटेस्ट टू डूज मेरे को ऊपर चाहिए। तो उसके लिए आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, जो ऑब्जेक्ट आप टू डूज के बाद ऐड कर रहे हो ना, इसको आपको टू डूज से पहले यहाँ पे ऐड करना है। तो आप यहाँ पे जो भी आप यहाँ पे डालोगे, सपोज मैं यहाँ पे
रीडिंग बुक्स, ठीक है, मैंने यहाँ पे ये डाला, तो अब ये आपका यहाँ पे ऊपर आएगा कुछ इस तरह, ठीक है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। उसके बाद अब यहाँ पे मेरे को अपना लास्ट काम यहाँ पे करना है कि अगर मैं यहाँ पे टू डूज पे यहाँ पे क्लिक करता हूँ तो मेरे को यहाँ पे इसको डन मार्क करना है। तो उसके लिए मेरे को यहाँ पे जो आपका एल आई है उसके क्लिक पे यहाँ पे ये सब काम होगा। तो यहाँ पे एक ऑन क्लिक चाहिए यहाँ पे मेरे को, और यहाँ पे मैं सपोज एक फंक्शन यहाँ पे कॉल कर रहा हूँ जो कि है यहाँ पे मार्क टू डू डन, ठीक है। वो एरर दे रहा है क्योंकि अब तक मैंने उसको यहाँ पे डिफाइन नहीं किया, तो यहाँ पे उसको ले लेते हैं मार्क टू डू डन, और यहाँ पे इसको एक एरो फंक्शन यहाँ पे मैं ले ले रहा हूँ, ठीक है, और बिल्कुल सही है। इसको मेरे को डन यहाँ पे मार्क करना है। तो डन मार्क करने के लिए हम यहाँ पे इसको कैसे कर सकते हैं, मेरे को यहाँ पे सबसे पहले तो फाइंड आउट करना पड़ेगा, मेरे को यहाँ पे फाइंड आउट करना पड़ेगा आपका एक सेकेंड, यहाँ पे सेट टू डूज आएगा, ठीक है, और ये आपका यहाँ पे सेट टू डूज है, स्पेलिंग मिस्टेक हो गई थी। तो यहाँ पे मेरे को मार्क टू डू डन यहाँ पे करना पड़ेगा, लेकिन आपके पास यहाँ पे बहुत सारे टू डूज हैं, तो जिस पे भी यहाँ पे क्लिक हुआ है, जिस भी टू डू पे यहाँ पे क्लिक हुआ है, सपोज मेरे पास यहाँ पे 100 टू डूज हैं, तो उस 100 में से जिस पर भी क्लिक हुआ है मेरे को उसकी आईडी को यहाँ पे फेच करना पड़ेगा। आईडी हम यहाँ से उसको फेच कर सकते हैं, आईडी से मैच करके मेरे को यहाँ पे पूरा ऑब्जेक्ट निकालना पड़ेगा, और उस ऑब्जेक्ट की जो डन वैल्यू है उसको यहाँ पे फॉल्स से ट्रू मार्क करना पड़ेगा। उस पर्टिकुलर ऑब्जेक्ट को मेरे को यहाँ पे यूनिकली आइडेंटिफाई करना पड़ेगा। तो उसके लिए आपके पास यहाँ पे फंक्शन है, ये मेक नहीं है, मार्क है, तो यहाँ पे आपको एक आईडी डालनी पड़ेगी, जिस भी टू डू पे वहां पे क्लिक हुआ है उस टू डू की यहाँ पे एक आईडी जाएगी, और इस आईडी को आप यहाँ से जो आर्ग्यूमेंट है वहां से निकाल सकते हो। लेकिन अभी प्रॉब्लम यहाँ पर ये है कि जो आपकी आईडी है ना, ये आप मैंने यहाँ पे हार्ड कोड किया हुआ है जो कि यहाँ पे 1 है। तो हम यहाँ पे एक काम कर सकते हैं, आपको यहाँ पे एक बहुत फेमस एक पैकेज है UUID, आई होप आपने उसको यूज भी किया होगा। तो मेरे को यहाँ पे UUID का यहाँ पे मैं यूज करने वाला हूँ, मैंने यहाँ पे npm install UUID किया। उसके बाद आप यहाँ पे इसको इम्पोर्ट कर सकते हो, मैंने यहाँ पे इम्पोर्ट V4 इम्पोर्ट होता है, ठीक है, इसके अंदर एक V4 पैकेज होता है जो यहाँ पे इम्पोर्ट होता है, V4 एज UUID करके आप यहाँ पे इसको वो कर सकते हो, और यहाँ पे आपको UUID ऐसे यहाँ पे मेंशन करना पड़ेगा। लेकिन ये एरर देगा UUID, यहाँ पे कुछ पैकेजेस हैं, ठीक है, जिसको Next.js एक्चुअल में रिकॉग्नाइज नहीं करता, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखो कि कुड नॉट फाइंड अ डिक्लेरेशन फाइल फॉर मॉड्यूल UUID, ठीक है, आपको इसको यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ेगा क्योंकि ये इसको रिकॉग्नाइज नहीं करता। तो हमारे पास इसका एक हैक है, या तो आप इसको डिक्लेयर कर सकते हो, या फिर आप यहाँ पे सीधा packet.json खोल के इसका एक हैक है उसका आप यहाँ पे यूज कर सकते हो। जैसे सपोज packet.json मैंने यहाँ पे खोला, और जो डिपेंडेंसीज है packet.json नहीं, सॉरी मैं कहाँ वो बोल रहा हूँ, tsconfig.json, ठीक है, क्योंकि TypeScript का कंपाइलर उसको पिक नहीं कर पा रहा है, वो यहाँ पे एरर दे रहा है। तो यहाँ पे जो आपका एक कंपाइलर ऑप्शन है, यहाँ पे आपको एक ऑप्शन यहाँ पे ऐड करना पड़ेगा जो कि होता है आपका नॉन इम्प्लिसिट एनी, और यहाँ पे इसको करना पड़ेगा आपको फॉल्स, ठीक है। तो मैंने यहाँ पे इसको फॉल्स कर दिया, एंड आप यहाँ पे देखो फॉल्स करते ही जो एरर है वो यहाँ से चला जाएगा, यहाँ से आप देखो जो एरर है वो मेरा यहाँ से जा चुका है। इसके बाद आप यहाँ पे जो मैंने यहाँ पे 1 लिखा हुआ है ना, ये 1 ना लिख के यहाँ पे आप सीधा UUID को हार्ड कोड कर सकते हो, मतलब यहाँ पे आप सीधा UUID को यूज कर सकते हो। UUID एज अ फंक्शन यहाँ पे यूज होता है, तो यहाँ पे ये हमने एज अ फंक्शन लिखा। अब यहाँ पे मेरे को आपके टू डूज को फाइंड आउट करना है, तो जितने भी आपके टू डूज हैं उनको मेरे को सबसे पहले तो लूप करना पड़ेगा, लूप करके मेरे को यहाँ पे एक एक टू डू को यहाँ पे निकालना पड़ेगा, और मेरे को यहाँ पे मैच करना पड़ेगा टू डू की आईडी से और जो आईडी क्लिक हुई है उससे, मतलब जो आईडी आपके आर्ग्यूमेंट्स में आ रही है उसको मेरे को यहाँ पे मैच करना पड़ेगा। और अगर ये मैच होता है, ठीक है, अगर ये मैच होता है तो उस केस में सभी टू डूज को एज इट इज रख के, मतलब जो टू डू है पूरा टू डू ऑब्जेक्ट को एज इट इज रख के पूरा, मतलब मेरे को ना आईडी को छेड़ना ना वैल्यू को छेड़ना, मैं सिर्फ डन की वैल्यू को यहाँ पे ट्रू मार्क कर रहा हूँ, बस इतना मैंने यहाँ पे किया है। और अगर ये मैच नहीं होता तो उस केस में मेरे को कुछ चेंज नहीं करना, तो मैंने यहाँ पे टू डू को एज इट इज रिटर्न करवा दिया। लेकिन इसको मेरे को वापस से अपडेट करना है, तो मेरे को यहाँ पे जो आपके स्टेट है सेट टू डू उसमें मेरे को यहाँ पे इसको वापस से अपडेट करना पड़ेगा। तो अगर आप यहाँ पे इतना लिखोगे तो इतने से यहाँ पे हो जाएगा। इसका आर्ग्यूमेंट आप आर्ग्यूमेंट का टाइप आप यहाँ पे मेंशन कर सकते हो, आईडी जो है मेरी यहाँ पे वो स्ट्रिंग टाइप है, तो यहाँ पे मैंने आईडी को यहाँ पे स्ट्रिंग डाला, ठीक है। तो या ठीक है, इसके बाद जो आपके टू डूज हैं अगर वो मार्क डन है तो यहाँ पे उसके ऊपर एक लाइन आनी चाहिए, ठीक है, वो स्ट्राइक थ्रू कहते हैं उसको, लाइन थ्रू भी कहते हैं, स्ट्राइक थ्रू भी कहते हैं। तो यहाँ पे मेरे को चेक करना पड़ेगा, सबसे पहले तो इसको जो आपकी स्ट्रिंग है इसको मैं चेंज कर रहा हूँ टेम्परेट स्ट्रिंग में, क्योंकि मेरे को यहाँ पे
अब मेरे को यहाँ पे वो डालनी पड़ेगी, एक क्लास डालनी पड़ेगी, लेकिन मेरे को जो क्लास डालनी है वो यहाँ पे एक कंडीशन के बेसिस पे डालनी है। अगर मेरा टू डू जो है वो डन मार्क हो चुका है, मेरे को सिर्फ उस केस में क्लास डालनी है। क्लास मेरे को यहाँ पे कौन सी डालनी है, यहाँ पे हमारे पास एक क्लास होती है जो कि होती है लाइन थ्रू, ठीक है, स्ट्राइक थ्रू कहते हैं वैसे तो इसको, लेकिन यहाँ पे जो मेरे पास यहाँ पे क्लास है वो है यहाँ पे लाइन थ्रू। तो आप यहाँ पे देखोगे कि ये वाली वो क्लास है, ठीक है, क्लास जो है वो यहाँ पे ये वाली क्लास है जो कि है लाइन थ्रू। तो मैंने यहाँ पे सबको लाइन थ्रू डाला। अगर टू डू डन नहीं है तो मेरे को यहाँ पे कुछ डालना पड़ेगा, तो नो अंडरलाइन करके यहाँ पे क्लास होती है इसमें, तो ये यहाँ पे पिक कर लेते हैं। एक तो अंडरलाइन होती है, एक यहाँ पे नो अंडरलाइन है, ठीक है, ये डिफॉल्ट है, नो अंडरलाइन यहाँ पे डिफॉल्ट है, तो यहाँ पे डिफॉल्ट मैंने डाला। डन अगर मार्क हो चुका है, चला के दिखा देता हूँ जल्दी क्लियर होगा। तो यहाँ पे इसको हेलो लिखा, हेलो लिख के मैंने यहाँ पे इसको ऐड किया, तो हेलो आपका ऐड हो गया। हाई लिखा, हाई लिख के ऐड हुआ, तो ये लेटेस्ट ऐड होना चाहिए, ऊपर आएगा। जैसे मैं यहाँ पे इस पर क्लिक करूंगा तो आप यहाँ पे देखो एक ये यहाँ पे ये मार्क हुआ है, ठीक है। लेकिन अगर मैं इस पर बैक क्लिक करूंगा तो यहाँ पे अनमार्क भी होना चाहिए, बट वो हो नहीं रहा क्योंकि मैंने यहाँ पे डन की जो वैल्यू है वो मैंने यहाँ पे हार्ड कोड कर दी। तो सर आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा, आपको यहाँ पे जो टू डू के डन की वैल्यू है वो यहाँ पे डालनी पड़ेगी विद एक्सप्लेनेशन। अगर ये ट्रू है तो फॉल्स हो जाएगा, फॉल्स है तो ये ट्रू हो जाएगा, तो कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो अगर सपोज मैं यहाँ पे हेलो पे क्लिक करूंगा तो ये यहाँ पे कुछ इस तरह से वर्क करेगा। तो यहाँ पे हमारा जो प्रोजेक्ट है वो यहाँ पे कंप्लीट होता है। तो आई होप ये क्लियर हुआ होगा। अगर आपको एक्सप्लेनेशन पसंद आई है, वीडियो को लाइक करना, बाकी प्रोजेक्ट्स आप चेकआउट कर सकते हो, रिएक्ट प्रोजेक्ट्स हैं, जावास्क्रिप्ट प्रोजेक्ट्स, नेक्स्टजेएस प्रोजेक्ट्स भी हैं। ये तो काफी ईजी था। अब नेक्स्ट वीडियो से क्या करेंगे, एक एक स्टेप ऊपर जाएंगे, मतलब थोड़े से डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स की तरफ बढ़ेंगे, कुछ बेसिक्स प्रोजेक्ट्स के साथ, लेकिन उसके बाद कुछ डिफिकल्ट प्रोजेक्ट्स के साथ। तो इजी टू डिफिकल्टी लेवल को यहाँ पे क्लाइम करेंगे। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है लाइक करना, चैनल पर नए हो सब्सक्राइब करना, अगर आपने अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज हिट द सब्सक्राइब बटन। कोई कहीं पे कोई इश्यू है, फंसे हो तो कमेंट करते हुए जाना। बाकी अगर आप यहाँ तक पहुंचे गए हो तो क्या इश्यू फंसा होगा। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग, बाय।